दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने A1 एजुकेशनल हब के ऑनलाइन यूट्यूब स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज मैथ के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा जो आपके बराबर कई सालों से रिपीट हो रहे हैं, कई वर्षों से पेपर में आ रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करने का एकदम आसान तरीका मैं इस वीडियो में बताऊंगा। जो क्वेश्चन आप 2 से 3 मिनट में सॉल्व करते हैं उन्हें आप 2 से 3 सेकेंड में सॉल्व करना सीख जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या है, एक परीक्षा में 40% विद्यार्थी हिंदी में, 50% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 21% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। अब क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, एक परीक्षा हुई उसमें 40% विद्यार्थी हिंदी में फेल हुए, 40% किस में फेल हुए, हिंदी में फेल हो गए, यहाँ पे लिख लेते हैं। और फिर आपका 50% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हो गए, अंग्रेजी में कितने फेल हुए 50%, और 21% दोनों में फेल हो गए, दोनों में कितने 21%। अब आपको 40 से 21 घटाना है, 40 से क्योंकि ये तो 21% दोनों में फेल हुए। अगर केवल हिंदी की बात करें तो कितने फेल हो गए, 40 से 21 माइनस कर लीजिए, 19 इधर हो जाएगा। और इधर देखेंगे केवल अंग्रेजी में जो फेल हुए स्टूडेंट हैं वो कितने, 50 से 21 माइनस कर लीजिए, 21 में 9 डालिए आपका 30 हो जाएगा, 30 20 50 यानी 29%। अब ये इस 40 से और इस 50 से कोई मतलब नहीं, 19 21 और 29 से आपको मतलब है। तो यहाँ पे जोड़ लेते 19 21 और 29 को जोड़ लीजिए, 9 9 18 और 1 19 के 9 हासिल 1 1 1 2 2 4 2 6 69 आया। ये 69% को 100 से घटा दीजिए, 100 से 69 को घटा दीजिए। अब 69 1 70 और 30 100 होता, यानी 31% आपका ये पास विद्यार्थी आ जाएंगे और 69% आपका फेल विद्यार्थी थे। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को 2 से 3 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 9:7 है, इसकी परिमित कितनी है। तो आपको क्षेत्रफल दिया गया, ये आपकी लंबाई और चौड़ाई दी गई है रेशियो में। तो अगर लंबाई हम 9x और चौड़ाई 7x मान लें, ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 9x गुणे 7x हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, 252 आपको ऑलरेडी क्षेत्रफल दिया गया है, 9 7 63 और xx की गुणा x स्क्वायर हो जाएगी, 252 हो जाएगा। 63 से काटेंगे 4 बार में 252 कटेगा, x स्क्वायर बराबर 4 तो x बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 आ गया x बराबर, तो आपको लंबाई और चौड़ाई पता चल गई। ये कैसे, 9 गुड़े 2 कर देंगे, x की जगह 2 रख देंगे, 18 हो जाएगा, और इधर 7 2 14 हो जाएगा, 18 और 14 आयत की जो है वो भुजाएं हैं यानी साइड आ गई हैं। अब आपको परिमित निकालना है, परिमित क्या होता है दोस्तों, 2l प्लस बी होता है, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगना। तो 18 और 14 जोड़िए, 18 4 22 10 32, 32 का दूना कर दीजिए, 32 2 64 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या है, संतरे के मूल्य में 25% की वृद्धि करने से बिक्री 10% घट गई, तो दुकानदार को कुल कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई। क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में सॉल्व करने के लिए आपके पास पर्याप्त टाइम है, सिर्फ 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखेंगे 25% को दोस्तों 1/4 लिख सकते हैं, मूल्य में वृद्धि हुई तो प्लस लगा दीजिए। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100, तो प्रतिशत है 25%, तो बटा में 100 कर दीजिए, काट देंगे तो 1/4 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। भाई बताना हर चीज जरूरी होता है, क्योंकि जरूरी नहीं कोई ब्रिलियंट ही इस वीडियो को देख रहा हो, मेरे ग्राउंड लेवल के भी साथी देख सकते हैं। तो आपका 25% का मतलब प्लस 1/4 लिख दीजिए, क्योंकि मूल्य में वृद्धि हो रही, बिक्री कितनी 10% घट रही है, यानी 10% का मतलब 1/10 घट रही है, तो निगेटिव साइन लगा दीजिए। अब देखिएगा यहाँ दुकानदार को कुल कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई, तो संतरे के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, ऊपर वाला अंश आपकी वृद्धि या कमी को दर्शाता है। तो पहले 4 रुपए की चीज थी, 25% वृद्धि हो गई, तो कितने की हो गई, ऊपर वाला जोड़ देंगे 1, यानी 5 की हो गई। बिक्री पहले 10 चीजें बिक जाती थी, अब कितनी बिकती हैं, 9 चीजें बिकती हैं,
माइनस कर दीजिए क्योंकि माइनस लगा है, तो 10 से 1 माइनस कर देंगे 9, क्योंकि मैंने कहा ऊपर वाला अंश जो है वो आपकी कमी या वृद्धि को दर्शाता है। अब देखिएगा इनकी गुणा कर दीजिए, 4 और 10 की 40 हो जाएगा और 5 9 की गुणा करेंगे तो 45 हो जाएगा। ठीक है, तो लाभ कितना हो रहा है, 5 रुपए का लाभ हो रहा है। कितना, 5 रुपए का, 40 पे 5 का, तो 80 पे आपका 10 का हो जाएगा, तो 20 पे कितने का हो जाएगा, 2.5 का हो जाएगा, यानी टोटल 100 पे निकाला जाता है। तो 100 पर निकालेंगे दोस्तों तो 10 और ये 2.5 यानी 12.5 आपका टोटल लाभ होगा दुकानदार को, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज के इस वीडियो का शानदार क्वेश्चन है, पढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, ए स्क्वायर होता है यानी साइड का स्क्वायर, तो भुजा 10% बढ़ा दी जाती है यानी 1/10 लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, पहले आपका 10 था क्षेत्र, जो भुजा थी 10 थी और 10% बढ़ा दी गई तो भुजा कितनी हो गई, 11 हो गई। क्षेत्रफल पूछ रहा है यानी दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करेंगे तो इधर 100 हो जाएगा और इधर कितना 121 हो जाएगा। 100 पर 121 यानी 21 की क्या हुआ, 21 की वृद्धि हो गई, कितनी 21% की वृद्धि हो गई, ऑप्शन आपका ए राइट हो गया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, मिलेंगे अगले वीडियो में, जय हिंद।